सो S23 अल्ट्रा को यूज करते हुए मुझे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सो इन 3 महीनों में मैंने क्या फील करा है 14 प्रो मैक्स से स्विच करने के बाद, मेरा क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग S23 अल्ट्रा। सो आपके साथ ये सभी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड इनकेस अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो आईफोन 14 प्रो मैक्स को परचेज करना चाहिए या फिर S23 अल्ट्रा, ये वाले वीडियो जरूर देखना। आई गारंटी से देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। iPhone 14 Pro Max कंपैरिजन में एक बड़ा फोन है। इनके स्पेशली केस को अप्लाई करने के बाद ये फोन और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फोन की हैंडलिंग की, डे टू डे यूजेज में कौन सा फोन ज्यादा ईजी है यूज करने में, सो वो iPhone 14 Pro Max है। अगर आप इस फोन को बिना केस के यूज करने वाले हो उस केस में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड वही केस के साथ भी यूज करते हो उस केस में भी फोन को पॉकेट में डालने के बाद ये शार्प एजेस डिस्कम्फर्ट देते हैं। वही बात करें बिल्ड क्वालिटी की, सो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। फ्रंट एंड बैक में मिलती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन एंड साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम। अब गाइस एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, मैंने इस फोन को हमेशा ही केस में यूज करा है, उसके बाद भी आप नोटिस कर सकते हैं वॉल्यूम एंड पावर बटन पे थोड़े से स्मजेस आ गए हैं। ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। इसी तरह से यहाँ पे टॉप में भी थोड़े बहुत स्मजेस आ गए हैं केस में हमेशा ही फोन को यूज करने के बाद भी। मे बी आपको वीडियो में इतने ज्यादा विजिबल ना हो रहे हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा माइनर है, बाकी और सभी जगह पे ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सो जब बात आती है डेली ऑपरेशन की, डे टू डे टास्क परफॉर्म करने की, लाइक बार बार कॉल पिक करना, फोन को एक हाथ से यूज करना, उसके इसमें आईफोन 14 प्रो मैक्स स्लाइटली ज्यादा कंफर्टेबल है। अब ऑल्दो आपको इसमें एस पेन की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, बट मैं इसको काफी ओकेजनली यूज करा है, इतना ज्यादा यूज नहीं करा है। इन 3 महीनों में मैंने इसको हार्डली 2 या 3 बार यूज करा होगा फॉर नोट्स मेकिंग। सो ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपकी यूजेज पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। सो गाइस केवल एक चीज में मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स की डिस्प्ले S23 अल्ट्रा से बेटर लगी है, विच इज आउटडोर पीक ब्राइटनेस। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले इज बेटर, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड S23 अल्ट्रा में 1750 निट्स की। सो आउटडोर्स में तो आईफोन ज्यादा ब्राइट रहता है, बट वहीं अगर मैं बात करूं और सभी पैरामीटर्स की लाइक मल्टीमीडिया कंजप्शन, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस, सो वो सभी चीजें ऑब्वियसली S23 अल्ट्रा में ज्यादा इंजॉयबल है। एंड इसी के साथ इसमें बेजल्स भी कम है, डायनेमिक आइलैंड वर्सेस पंच होल। अब ये नॉर्थ से तो बेटर है, बट स्टिल अगर इसको हम कंपेयर करते हैं पंच होल से, सो दिस लुक्स बेटर। एंड ऑल्दो दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट मैं अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल लाइफ की, सो सैमसंग डेफिनेटली ज्यादा स्पीडी फील होता है, भले अगर मैं बात करें एनिमेशन की या फिर स्क्रोलिंग स्पीड की। अब गाइस मैं जितनी भी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सभी प्रैक्टिकल बेसिस पे हैं, स्पेक्स की हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम स्विच करते हैं परफॉर्मेंस पे। सो इतना टाइम यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 चीजें नोटिस करी हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशली गेमिंग की, सो वहाँ पे आईफोन बेटर है, बट वहीं अगर हम बात करते हैं डे टू डे टास्क को परफॉर्म करने की, सो वहाँ पे मुझे S23 अल्ट्रा का पलड़ा भारी लगा है। अब ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपकी यूजेज पे, आप किस तरह की एप्लीकेशंस यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करते हो ज्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उस पे रील्स अपलोड करते हो, उस केस में आईफोन इज डेफिनेटली बेटर चॉइस। बट वहीं अगर आपको करनी है ज्यादा मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया एप्स का ज्यादा यूज करना है, आपको फोन को यूज करने में काइंड ऑफ फ्रीडम चाहिए, उस केस में S23 अल्ट्रा इज बेटर। एंड गाइस इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने दोनों फोन्स को 3 महीने तक काफी एक्सटेंसिवली यूज करा है एंड आई मस्ट से इस बारी सैमसंग में स्टेबिलिटी बेटर है। एंड सैडली मुझे चीज कहनी पड़ रही है दैट आईफोन में अभी भी काफी सारे बग्स हैं। बहुत बारी ऐसा होता है एप्लीकेशंस क्रैश हो जाती हैं, कुछ एप्लीकेशंस अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, फोन काफी ज्यादा हीट होने लग जाता है। एंड इतनी सारी अपडेट्स के बाद अभी भी iOS 16 इतने ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है जिस तरीके से आईफोन 13 प्रो सीरीज थी। आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स एकदम लेटेस्ट iOS पे अपडेटेड है एंड इसी तरीके से सैमसंग भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है। वहीं बात करूं हीटिंग की, तो यहाँ पे सैमसंग का हीट मैनेजमेंट स्लाइटली बेटर है, अब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एज यू गाइस नो आईफोन्स का हीट मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा नहीं रहा है। अब मे भी हो सकता है इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो सैमसंग से स्पॉन्सर्ड है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों फोन्स मैंने अपने खुद के पैसों से परचेस करे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो भी चेक कर सकते हो। एंड मेरा सोचना है अगर कोई ब्रांड इंप्रूवमेंट करता है हमें उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। S22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में S23 अल्ट्रा एक काफी बेटर डिवाइस है। ऑल्दो मेरे चैनल पे आपको मोस्टली आईफोन की वीडियोस ही मिलती हैं, बट स्टिल जो रियलिटी है आपको वही बताऊंगा। वही अगर मैं बात करूं कैमरास की, तो यहाँ पे काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। एंड हाँ अगर हम बात करते हैं केवल फोटोज की, तो ज्यादातर केसेस में S23 अल्ट्रा को एक स्लाइट एज जाएगा,
बट स्टिल आईफोन के कंपैरिजन में यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही सिचुएशन में इससे कैप्चर करता हूँ 12 मेगापिक्सल की इमेज एंड उसी सिचुएशन में 200 मेगापिक्सल, कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट में काफी ज्यादा फर्क दिखता है एंड कई बार 200 मेगापिक्सल की इमेज ओवरली प्रोसेस लगती है। आईफोन में ऐसा नहीं है, अगर मैं इसे कैप्चर करता हूँ 12 मेगापिक्सल की इमेज एंड उसी सिचुएशन में 48 मेगापिक्सल में रॉ इमेज, सो कंसिस्टेंसी एकदम ही बरकरार रहती है। एंड हाँ, अगर हम बात करते हैं केवल जूम की, सो उस डिपार्टमेंट में तो ये फोन किंग है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे पूरी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में दिस इज किंग इन जूम। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में सैमसंग ने काफी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, बट स्टिल जब बात आती है रिलायबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की एंड एक ट्रस्ट फैक्टर होता है अगर हम किसी मूवमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में अभी भी मैं आईफोन को पिक करूंगा। सैमसंग आईफोन के काफी क्लोज आ चुका है, बट स्टिल ये आईफोन को अभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं अभी भी आईफोन को ही बेटर बताऊंगा, इसे ही पिक करूंगा। बाकी सैमसंग में आपको कैमरा में एक्स्ट्रा फीचर्स तो मिल ही जाते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है। वही बात करें बैटरी लाइफ की, सो आई वुड से यहाँ पे जो डिफरेंसेस है काफी सटल हैं एंड दोनों फोन्स को यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा दोनों फोन्स की जो बैटरी लाइफ है ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो क्या स्पेशली इस बारी में S23 अल्ट्रा की बैटरी लाइफ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एंड पहले ऐसा होता था दैट स्पेशली बैटरी लाइफ के लोग आईफोन्स को पिक करते थे क्योंकि प्रो मैक्स मॉडल्स में हमेशा ही बैटरी लाइफ सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज से बेटर होती थी, इस बारी ऐसा नहीं है। सो मुझे दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो मैं दोनों फोन्स का बैटरी ट्रेंड टेस्ट बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ एक और काफी बड़ा प्लस पॉइंट आपको सैमसंग में मिल जाता है, विच इज कॉल रिकॉर्डिंग। अब सवाल ये नहीं है दैट आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, इन सैमसंग में है तो इसका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। सवाल ये है कि आपको इसकी नीड है, एंड स्पेशली बहुत से लोग की पिक सैमसंग इसलिए रहती है क्योंकि उनको कॉल रिकॉर्डिंग की काफी नीड होती है। एंड मैं भी प्रोफेशनल या फिर बिजनेस कॉल्स के लिए सैमसंग को यूज करता हूँ ड्यू टू कॉल रिकॉर्डिंग। सो गाइस दोनों फोन्स को साइड बाय साइड यूज करने के बाद आई कैन से दोनों फोन्स अपने अपने जगह बेस्ट हैं। एंड iOS 16 में आपको जो बग्स एंड इश्यूज अब तक देखने को मिल रहे हैं, इन्हें एप्पल को अपकमिंग iOS 17 में बिल्कुल ही फिक्स कर देना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खराब करते हैं। एंड गाइस आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, iPhone 13 Pro Max से iPhone 14 Pro Max पे स्विच करने के बाद मुझे इसमें काफी सारे लैग्स, बग्स एंड इश्यूज देखने को मिले हैं। सो जब आता है मेन क्वेश्चन, दोनों फोन्स में से कौन सा फोन बेटर है, इसका एक आंसर हो ही नहीं सकता। इट डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड यूजेज। दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। सो गाइस ये थे क्विक रिव्यू रिगार्डिंग S23 अल्ट्रा आफ्टर 3 months ऑफ यूजेज। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।